फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम किस तरह से तुअर की दाल को तड़का लगाने का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिए है तुअर की दाल। इसे मैंने एक बाउल लिया था और अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल के उसे नमक और थोड़ा सा हल्दी डाला था और पानी डाला था। और उसके बाद मैंने इसे 3 सीटी चला दिया था। 3 सीटी चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि दाल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है, मीन्स ज़्यादा पकी भी नहीं है और बहुत ही कम भी पकी नहीं है, मीन्स इस तरह से पकी है। उसके बाद हमने दाल को तड़का लगाने के लिए यहाँ पे लिया है कुकिंग ऑइल, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा, यहाँ पे मैंने हींग लिया है, हींग का यूज़ ज़रूर करें तड़का लगाने के लिए। उसके बाद नमक लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रश करके लहसुन की कलियाँ लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे चॉप की हुई धनिया पत्ती ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पे चॉप की हुई है लंबे लंबे स्लाइसेस में कट के मैंने यहाँ पे चिली ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मीठी नीम की पत्ती ली है, मिस करी लीव्स लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसे यूज़ करिएगा वरना इसे स्किप करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, फटाफट दाल को तड़का लगाते हैं। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल को गंजी में डालेंगे, उसके बाद ये चिली है हम इसे दाल में ऐड करेंगे, उसके बाद बची हुई चिली को हम गंजी में डाल देंगे, उसके बाद हम क्रश किया लहसुन डालेंगे, उसके बाद हम हाथ से तोड़ के करी लीव्स डाल देंगे, उसके बाद हम जीरा ऐड करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे और हम इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इस तड़के में दाल को ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, दाल को अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाए और इसमें हम धनिया पत्ती ऐड करेंगे और स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने डेली में बनाने वाला दाल तड़का रेडी है। आप इसी तरह से अगर डेली दाल को तड़का दोगे तो आपकी ये दाल बचेगी ही नहीं, फटाफट सी ख़त्म हो जाएंगी। और ये बहुत ही दाल चावल खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अगर आपको ये डेली दाल तड़के की रेसिपी अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक करिए, व्यू कीजिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय।